सबसे पहले इसको गोल कट मारना है कैंची के द्वारा। मैंने काट दिया इसको, तो उसके तरफ से एक साइड को बिल्कुल ही ले जाना काट के, ध्यान से इसको काटना है। फिर दूसरी साइड को भी इस तरह से काटना है, बिल्कुल एकदम क्लीन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देख सकते हैं ऊपर से हल्का सा, मतलब पैना को थोड़ा सा प्लेट जैसा बनाना है, बीचों बीच कोशिश करें बीचों बीच फाड़ने की। बस थोड़ा सा जोर लगा के हल्का सा धीरे धीरे जोर मारना है नीचे को। ये बन गया बिल्कुल सीधा। कलम लेते हैं एक, इसको भी बिल्कुल गोल कट मारना है ऊपर से सीधा, हल्के हल्के से हाथों से लेना है नीचे तक, ज़्यादा जोर नहीं मारना है, हल्के हाथों से। थोड़ा इसको लंबा रखना है एक साइड का छिलका, दूसरी साइड को भी इसी तरह से करेंगे, हल्के हाथों से धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे लंबा लेना है। उसके बाद हल्के से अंदर का उंगली से दबा का अंदर का जो भी रेशू है उसको निकाल देना है, हल्का सा पतला बनाना है, ऊपर से मोटा बन के नीचे से पतला बना के लेना है। ये दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से करना है, हल्के से एक साइड से मोटा एक साइड से पतला होना चाहिए कलम। देख सकते हैं एक साइड से मोटा है पिछली साइड से पतला है, तो कलम के हिसाब से नहीं होगा। तो हम चाकू की मदद से इसको थोड़ा सा खोल देंगे, उसके बाद धीरे धीरे हाथों से इसको नीचे को पुश करना है, दबाना है इसको ताकि कलम बैठ जाए। बस हल्का सा और पुश करते हैं तो बैठ गई ये कलम। जो आगे पीछे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देंगे, इसको भी एक्स्ट्रा पार्ट को हम निकाल देंगे। अब बन गई इस तरह से कलम, तो आगे से थोड़ा सा चोंच बने होता है उसको चाकू से काट देंगे। अब जाके ये बन गई कलम, तो एक पॉलीथिन से इसको बांध देंगे। तो इस तरह से बांध दिया पॉलीथिन, एक लपेटा और मारिए, फिर दोबारा उसी से थोड़ा सा ऊपर करके धीरे धीरे ऊपर को ले जाना है कागज को। इस वीडियो में आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके लेना है। इस तरह से आपने धीरे धीरे कस के बांधना है। इसमें हमें दो गांठे मारनी होगी, हम दूसरा गांठ भी मार लेते हैं ताकि आओ से ना फूले। क्यों दोस्तों, एक लाइक तो बनता है यार।